आज यहाँ मैं अवगत कराना चाहूंगी स्वच्छ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी चैलेंज की। कुछ समय पहले नगर निगम ने एक प्रतिस्पर्धा कराई थी जिसमें 64 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ एंट्रीज को अभी हम कुछ देर बाद इनामों से भी नवाजेंगे, पर उससे पहले जानते हैं उनके इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारे बीच हमारे 3 विनर्स उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले मंच पर बुलाने जा रही हूँ फर्स्ट प्राइज विनर ऑफ स्वच्छ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मिसेस ड्रॉस मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव को कि वे मंच पर आएं और अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है ड्रॉस मैनेजमेंट कंपनी। नमस्कार सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे चंडीगढ़ की प्रबुद्ध जनता। सबसे पहले तो मैं ड्रॉस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ से चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन का मेयर मैडम का कमिश्नर मैडम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को सराहा और इसको फर्स्ट प्राइज से नवाजा। अपनी बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी तो वो मैडम ने कहा कि कुछ टेक्निकल एरर है उसकी वजह से वो नहीं चल पाएगी। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सबसे एक बार पूछना चाहूंगा, जरा हाथ खड़ा करके एक बार जवाब दे दीजिएगा कि हम में से कितने लोगों ने अभिषेक बच्चन की गुरु मूवी देखी है। धन्यवाद। अब इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा कि मैंने ये क्यों पूछा। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा मंच के माध्यम से 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम एक स्वच्छता अभियान शुरू करना चाहते हैं, देश को साफ करना चाहते हैं ताकि हमारा देश भी निखर के बाहर आए, तो उसी समय से ये टेक्नोलॉजी मेरे फादर श्री अमरदीप शर्मा जी जो इस कंपनी के चेयरमैन है उन्होंने इसको डेवलप करना शुरू किया। धीरे 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 करके 2019 में जब हमने इसका पेटेंट अप्लाई किया और उसके बाद आज जब हम इस टेक्नोलॉजी के पेटेंट होल्डर हैं तो वो पेटेंट हमें इसलिए मिला क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी हर उस चीज के ऊपर काम करती है जो चीज डंपिंग ग्राउंड पर जाती है, जिसका किसी भी टेक्नोलॉजी के पास कोई समाधान नहीं है, जो पैक होकर जो इकट्ठा होकर डंपिंग ग्राउंड पे ही जाना है उसके लिए ही इस मशीन का इजाद हुआ। जैसे मल्टी लेयर प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जो चीज बिक नहीं सकती, सैनिटरी पैड्स हैं, उसके बाद डायपर्स हैं, टिन के फॉइल्स हैं, वो सब चीजें ये जो मशीन है इसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद आपको इस चीज का आश्चर्य होगा जानकर कि प्रोसेस करने के बाद हम इससे कोयला बनाते हैं, आरडीएफ के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं, कोयला बनाते हैं, फ्यूल पैलेट्स बनाते हैं या फिर हम इसको गैसियस फॉर्म के अंदर गैसिफिकेशन करके हम इसको गैसियस फॉर्म में भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये चंडीगढ़ के ही एक जो निर्माता है मिस्टर अमरदीप शर्मा चंडीगढ़ के ही रहने वाले हैं, चंडीगढ़ की ही ये टेक्नोलॉजी है। और ये मिस्टर शर्मा की कोई पहली टेक्नोलॉजी पहला कोई इनोवेशन नहीं है, उससे पहले भी हॉस्पिटल फर्नीचर की फील्ड में मिस्टर शर्मा ने जीएमसीएच के अंदर 315 बेड का एक जो है ऑर्डर सप्लाई किया था और वो जो बेड थे वो 15 किलो उस समय पे भारी थे और कॉस्ट के अंदर जो जिस प्राइस के ऊपर जीएमसीएच बेड्स खरीद रहा था उससे आधे प्राइस के थे। साथ ही साथ उन्होंने हॉस्पिटल फर्नीचर के साथ साथ इन्होंने फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी एक इनोवेशन करी थी जिसके अंदर आप सब जानते हैं आजकल इतनी व्यस्त हमारा जीवन हो गया है तो उन्होंने एक ऐसी इनोवेशन करी थी कि अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं तो एक ऐसी इंस्टेंट ग्रेवी थी कि उसके अंदर सब कुछ ऑयल नमक सब कुछ डाला हुआ था, सिर्फ जो चीज आपने बनानी है सिर्फ वो डालना है और आपका खाना तैयार। और ये अब हमारी थर्ड इनोवेशन है। आपने हमें मौका दिया इस मंच के माध्यम से, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन ड्रॉस को मौका देती है तो आगे आने वाले 3 सालों में, मैं इस मंच से आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, आगे आने वाले 3 सालों में शहर के अंदर जहां जहां भी कूड़े के ढेर लगते हैं, शहर के अंदर जहां जहां भी डस्टबिन रखे हुए हैं वो आपको दिखने बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से ही मैं एक और आपसे अनुरोध करता हूं मैडम कि आप ड्रॉस को एक पायलट प्रोजेक्ट करने का यहां पे एक अनुमति दें ताकि हम आपको दिखा सकें कि जो हम कह रहे हैं हम वाकई वो करके दिखाएंगे। और जैसे मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि हम में से किस लोग कितने लोगों ने अभिषेक बच्चन स्टारर
गुरु मूवी देखी है तो गुरु मूवी का शायद आपको एक डायलॉग याद होगा, अभिषेक बच्चन एक जगह खड़े होकर बोलते हैं कि मुझे बोलने के लिए 5 मिनट दिए गए थे, मुझे भी बोलने के लिए 5 मिनट दिए गए थे, मैंने अपनी बात को 4 मिनट में खत्म कर दिया, 1 मिनट का प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट हम कॉर्पोरेशन के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। स्वच्छता में बनेगा चंडीगढ़ नंबर 1 यदि सहयोग देंगे आप सभी जन। इसी सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ, यानी कि एप्रिसिएशन एंड अवार्ड सेरेमनी, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मेयर मैम से, कमिश्नर मैम से, सभी डिग्निटरी से कि अवार्ड सेरेमनी के लिए कृपया आ जाएं, और यहाँ उपस्थित जितने हमारे काउंसलर साहिबान हैं कृपया मंच पर आ जाएं अवार्ड सेरेमनी के लिए। लिस्ट ऑफ अवार्डीज की कैटेगरी में सबसे पहले हम स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज वालों को ही लेंगे। इसमें इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहला इनाम जाता है मिसेस ड्रॉस मैनेजमेंट को, कृपया वो मंच पर आ जाएं। मिस्टर अमरदीप शर्मा, इनके बाद श्रीमती रीना, आईपीसीए से श्रीमती रीना,